कौन है इधर? कौन हंस रहा है इधर? यार डराओ मत मेरे को, डराओ मत मेरे को। यार कौन हंस रहा है? Hey guys, what's up? के हाल चाल, मैं हूं नवीद। तो आज हम खेलने वाले हैं दोबारा से ग्रैनी चैप्टर 3 और ट्रेन स्केप करेंगे आज हम टिफन। तो ये आ गया मेरा ग्रैनी का नीचे वाला जेल। देखते हैं इस ताले की चाबी कहां पर पड़ी हुई है इस टाइम। यहाँ पे ये पड़ा है, यहाँ पे लॉक पे, लॉक पे उठा के सबसे पहले मैं खोलता हूँ ये वाला डोर। और मेरे को शायद से ऊपर वाले गेट के खोलने की आवाज़ आ रही है। हाँ तुम्हें भी आ रही होगी, कान में लीड लगा के ज़रूर सुनना। तो मैं डर के मारे सबसे पहले नीचे भाग के आता हूँ और यहाँ पे दबक जाता हूँ। और मेरे को लगता है सबसे पहले नीचे जाता हूँ मैं थोड़ी देर बाद, ताकि शोर करके मैं ग्रैनी को ऊपर से नीचे बुला लूँ। यह है ट्रेन और यह है रोबोट। मैं जैसे ही गेट खोलूँगा एकदम बैल का साउंड आएगा। और आ गया है, यहाँ से गिर गई यहाँ से पेंटिंग और यहाँ पड़ी वेपन की। वाओ मैं वो वेपन की आते के साथ ही शुरुआत में ही गेम में मिल गई है। मैं वेपन की लेता हूँ और सबसे पहले इसको हटाया मैंने। यहाँ पर आ गई है ग्रैनी, मैं उधर ग्रैनी को उस साइड बुला लेता हूँ ताकि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। यहाँ से यहाँ मैंने अपनी की गिरा दी है तो ग्रैनी उधर चली जाएगी, और शायद ग्रैनी उधर जा चुकी है। तो मैं यहाँ से सीधा भाग जाता हूँ ऊपर के लिए। यहाँ कोई नहीं है, जल्दी चल जाओ, जल्दी भागो भागो भागो। मैं यहाँ से सबसे पहले जाता हूँ ऊपर, थोड़ी बहुत ड्रॉर चेक करता हूँ। सबसे पहले लेता हूँ स्लिंग शॉट ऊपर जाके, ताकि मेरे कोई दिक्कत ना हो गेम में। सबसे पहले मैं जाके स्लिंग शॉट लगा लेता हूँ और पीछे ड्रॉर है जब तक वो खुलता है मैं चेक कर लेता हूँ। और इन ड्रॉर के अंदर मेरे को कुछ भी नहीं मिलता फिलहाल। यहाँ पड़ी है स्लिंग शॉट और मैं ड्रॉर ये साइड वाली चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं सोचता हूँ नीचे जाने से के जगह मैं जाता हूँ बाहर, इस कमरे में जाके चेक करता हूँ यहाँ पड़ा है कोकोनट, और ड्रॉर में कुछ भी नहीं पड़ा। फिर इस लॉक को खोल ले रखता हूँ। जब तक ड्रॉर खुल रही है गाइस, आप लोगों को शॉर्ट आउट चाहिए तो कमेंट कर देना। और इस वीडियो को शॉर्ट आउट जाता है नवीद इज लाइव को, तो चेक करना नवीद इज लाइव को, बढ़िया वीडियो आता है। तो यहाँ से मैं बैठता हूँ और यहाँ से जाता हूँ नीचे, ये टिप्स है बढ़िया वाली। और यहाँ से घास पे लैंड होता हूँ, और मैं ज़मीन पे लैंड होता मैं मर जाता। और सामने ही पड़ा है मेरा स्टोन, आओ यहाँ पड़ा है स्टोन, ले लेता हूँ मैं से। तो मैं यहाँ पा गया, स्लेंडर मर जाऊँगा, मर जाऊँगा, मर जाऊँगा, मर जाता मैं अभी स्लेंडर के चक्कर में। नहीं क्या होता है यार, स्क्रीन एकदम अपने कब्जे में कर लेती है। तो मैं शुरू करता हूँ और यहाँ ग्रैनी आ जाती है फाइनली। तो सबसे पहले मैं उसके हेड शॉट देता हूँ स्लिंग शॉट का, और यहाँ ये 2.5 मिनट के लिए बेहोश हो जाती है। और मैं सारे इस बहाने ड्रॉर चेक कर लेता हूँ क्या किसी ने पढ़ा है। सेकंड वाली पड़ी होती है मैच बॉक्स, और मैच बॉक्स अभी उठाते नहीं। मैं सबसे पहले सारी ड्रॉर जल्दी से चेक कर लेता हूँ ताकि ग्रैनी के उठने से पहले, ताकि जो काम की चीज़ें मैं अपने पास रख लूँ। यहाँ देखो कैसे पड़ी है बुढ़िया। अरे भग जाए यहाँ से, ना बहुत मारूंगा तेरे को स्लेंडरीना। अरे यार इसका क्या जुगाड़ है यार, समझ नहीं आता क्यों आती है हमें ड्राने। देख बताओ क्या समझती है। चलो कोई दिक्कत ना, अपनी स्लिंग शॉट लेके मैं चलता हूँ बाहर। यहाँ पड़ी है सेफ की। सबसे पहले मैं स्टोन ले लेता हूँ थोड़े से, और ऊपर जाके मैं सबसे पहले लगाता हूँ अपनी सेफ की, और उसमें देखता हूँ क्या पड़ा है। और उससे पहले मैं ड्रॉर चेक कर लूँ यार, मेरे कुछ मिलता क्यों नहीं, मेरे नसीब में कुछ है या नहीं है। बैसली अब क्या है, हट जा, मुँह में घुसना पड़ता है पता नहीं क्यों, वहाँ से हटी नहीं तो मैं सोच मर जाऊँगा मैं इस के मुँह के में घुस जाता हूँ। सबसे पहले मैं लॉक खोलता हूँ और साइड वाले उसमें बाथरूम में जाके सबसे पहले मैं की लगा देता हूँ, क्या बोलें स्क्रीन को। तो यहाँ जैसे मैं की लगाता हूँ साला मेरे काम का कुछ भी नहीं मिलता कुछ भी। इसका क्या करूँगा मैं, मेरे को ले आनी है यहाँ से ट्रेन, और ये मेरे को देना ब्रिज का हैंडल। तो सबसे पहले वाला गेट खोल देता हूँ और यहाँ से नीचे जाता हूँ, लिफ्ट से नीचे आके यहाँ से निकलता हूँ बाहर। और सबसे पहले यहाँ पे जो भी चीज़ चेक करनी थी मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ ताकि मेरे बाद में दिक्कत ना हो। यहाँ से अपने स्लिंग शॉट उठाता हूँ और ग्रैनी को दोबारा बुला के उसे दोबारा सुला देता हूँ नींद। वो मेरा ये जो निशाना है इस बार गलत जगह लग जाता है, पहला भी और दूसरा भी। मैं सोचता हूँ ताकि ग्रैनी ना उठ जाए उससे पहले,
मतलब चलने ना लगे उससे पहले मैं स्टोन लेके आऊँ, और सामने ही मेरे को स्टोन मिलता है और मैं ग्रैनी को फाइनली दोबारा से बेहोश कर देता हूँ, और यहाँ मेरे को एक और स्टोन मिल जाता है। वाओ, फिर वो थोड़े से स्टोन इकट्ठा करते हैं, मैं चलता हूँ पर बोतल लेने के लिए, नाम बारह बोल देता हूँ मैं, क्या कहते हैं सर यार क्या करें, इसलिए एंट्री ना हटती क्यों नहीं है, क्या दिक्कत है इससे मेरे से। दूसरा वाला बाज हो रहा, इसे भी मैं गिराया था, मैं नाम याद नहीं आ रहा क्या है, मैं बाद में पढ़ लूँगा इसका नाम। अब फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरा सामान पड़ा हुआ है, तो मैं सबसे पहले इसे उठा ले के मैं लिफ्ट में डालता हूँ। वाज नाम है इसका, ये वेज याद है, मैच बॉक्स उठा लेता हूँ और इसे वहाँ पर डाल देता हूँ और इस मैच बॉक्स को नीचे फेंक देता हूँ, और यहाँ से लिफ्ट ऑन करके मैं सबसे पहले चलता हूँ सबसे ही नीचे फास्ट, थोड़ा जल्दी आता हूँ, ये शोर कर रहा है। और यहाँ से ज़्यादा चलता हूँ मैं बाहर थोड़े स्टोन लेने, क्योंकि मेरे को स्टोन की ज़रूरत है, एक तो दोनों पड़े हैं, एक ये रहा, उस टाइम मेरे को वहाँ दिखता तो है नहीं पर सामने इधर दिख जाता है, और जो अंदर लिफ्ट में मैंने वो बोतल फेंकी थी, वाज फेंका था, वहाँ वापस जाता हूँ मैं, और मेरे साथ क्या सीन होता है आप लोग ज़रूर देखो क्या होता है। एक ग्रैनी मेरे पर किस बात का बदला ले लेती है, अंदर ही खड़ी रहती है, पट से मेरे मुंह पे मार देती है, मार दे यार तू मार दे, खुशी खुशी मर जाते हैं, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है साला, पहले नहीं आ सकती, डे टू स्टार्ट हो चुका है यार, खामा खाई का बेफिजूल मर रहा हूँ वैसे मैं, मेरी कोई गलती नहीं थी, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैं दोबारा से लॉक खोलता हूँ, और वो ग्रैनी भी ने भी गेट खोला है, और मैं आ गया हूँ वापस स्लिंग शॉट लेने अपनी, और बुढ़िया को बुलाता हूँ, बुढ़िया आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जा, मैं थोड़ा शोर करता हूँ और ग्रैनी दोबारा से मेरे पास आ जाती है, आ बुढ़िया आ जा, मेरे पे स्लिंग शॉट है इसके, सीधा ही सर पर मारता हूँ। तो यार आपको ये वाला सीन पसंद आया तो यार लाइक मार सकते हो सीन को देख के, हाँ मार दो यार। और मैं इस गेट को खोलने आता हूँ तो ये खुलता नहीं, तो मैं इसके शीशे तोड़ देता हूँ फट से, मैं शीशे तोड़ देता हूँ तो फिर अंदर जाता हूँ मैं, नहीं कैसे जाता हूँ, कंचे नहीं चिपते इसके नीचे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पड़ी है शेड की, तो ये गेट खुलता नहीं, नीचे से क्रोबार उठा के फिर खोलना पड़ता है ये वाला गेट, जब आए हैं तो क्रोबार से गेट खोल ही देते हैं, बार बार खिड़की से कूद के जाना साला, इसका रोबोट बाबा पे 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 बसता रहे, इसके थप्पड़ मारूंगा साढ़े वहीं आके, मानता ही नहीं पता नहीं क्यों, बड़ा बदतमीज लौंडा है। मैं जब से ये दोनों लीवर ऊपर कर देता हूँ, ये वाला भी और ये वाला भी, और तीसरा मेरे पे है नहीं, यहाँ पे तीसरा तो मेरे पे है नहीं, तो मैं सोचता हूँ सबसे पहले पड़ जाता हूँ और इसे क्रोबार को मैं दोनों जगह यूज़ कर देता हूँ। यहाँ पे क्या पड़ा है, यहाँ पड़ा है वुडन लॉग, और मैं सबसे पहले वहाँ जाता हूँ, ऊपर आता हूँ मैं, ताकि दूसरी बार भी क्रोबार मैं ऊपर यूज़ कर लूँ। जैसे ही ऊपर आता हूँ सबसे पहले मैं लिफ्ट से बाहर निकलता हूँ और क्रोबार से खोलता हूँ, मेरे को क्या मिलता है, जनरेटर केबल, वाओ यही तो चाहिए था मेरे को, आराम के अच्छे क्या क्या देने लगते हैं आजकल। तो सबसे पहले इस वेसल के अंदर पानी भरता हूँ, सबसे भाग के जाता हूँ बहुत ही फुर्ती में, सबसे पहले इसे लगाने, और सामने स्टोन पड़ा होता मैं सोचता मेरे हाथ में आ जाएगा, तो हराम को ना वहाँ रख रखा है, सिलेंडर क्यों आया थे मेरे कान में, और शोर से होता है पता है क्यों शोर करती कान में एकदम आ गई, नहीं से ग्रैनी ग्रैनी आ गई थी, तो वैसे तो पहले यहाँ पे आता हूँ इसे लगाने के लिए, गलत नहीं इसमें नहीं सुन लगाना, और ग्रैनी में पीछे ही वैसे जीने पे ही वो बिल्कुल ही, मैं यहाँ पे इस शांति से लगा रहा हूँ, जल्दी नीचे चलता हूँ मर जाऊँगा मैं। स्लिंग शॉट पड़ी सबसे पहले उसे नीचे से उठा लेता हूँ रूम में से, और फाइनली ग्रहणी को दोबारा से लड़काने का टाइम आ चुका है, तो मैं सबसे पहले यहाँ शोर करता हूँ गेट बंद करके, बैल जैसी बजेगी ग्रहणी को आना है नीचे, और मैं ग्रहणी का वेट करता हूँ, एकदम ग्रहणी आ जाती है, उसे पता नहीं मेरे हाथ में गन है, तो मैं एक गोली में सीधा ही उसे बेहोश कर देता हूँ, और क्या कर सकता हूँ मैं इसके साथ, कुछ और तो करूँगा नहीं मैं। और सबसे पहले ऊपर आता हूँ वुडन लॉग लेके, तो वुडन लॉग को यहाँ डालता हूँ, और मैंने मैच बॉक्स यहीं फेंका था सामने, मैच बॉक्स सामने पड़ा है मेरे, तो इसे सबसे पहले मैं उठा के और माचिस में से ऐसी आग लगाऊंगा किसी ने सोची नहीं होगी, मैं आग लगाई, सबसे पहले मैं भाग के जाता हूँ ऊपर, और इसके अंदर पड़ा है हमारा नीचा ये एक और केबल, सबसे पहले मैं भाग के जाता हूँ और वहाँ से कौवा हट गया होगा, तो मैं सबसे पहले यहाँ देखता हूँ क्या पड़ा है, यहाँ पड़ी होती है हमारी उसकी ट्रेन की, और सबसे पहले जाता हूँ मैं वहाँ से जो वो पड़ा था वैसल उसे उठा के उसके अंदर पानी भर के सबसे पहले नीचे आता हूँ, और मेरे पे पैडलॉक की तो है ही नहीं, अब पैडलॉक की तो थी नहीं, पर मैं सोच मटके जो है दोनों में पड़े हैं, तो इन दोनों को मैं रख ही दूँ उस जगह पे ले जाके, बाद में तो नहीं मिलेगी। अब मैं यहाँ आया शेड की चाबी उठाई और सबसे पहले शेड खोल के देखा मैंने क्या पड़ा है इसके अंदर,
यहाँ पड़ा होता टेडी और ग्रैंड जब बेहोश होती है तो मैं सोच रहा हूँ मौके पे चौका मार दिया जाए, क्यों नहीं मार देना चाहिए हर टाइम पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ट्रेन की बाहर फेंकता हूँ ताकि वो रेस लैंड दे रहा, मैंने क्या कर दिया मेरे पीछे की पड़ी हुई यार टाइम। तो मैं सोच रहा बटन दबाता हूँ और इस ट्रेन इसके अंदर चढ़ जाता हूँ लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट के अंदर चढ़ने के बाद सबसे पहले इस स्लैंड डिनर को ठिकाने पे लगा देता हूँ, क्योंकि इसने मेरी नाक में ऐसा दम कर रखा है मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को, कुछ नहीं बता सकता मैं। सबसे पहले मैं इस चेयर को हिलाता हूँ क्योंकि साउंड में बढ़िया लगता है, फिर इसके टेडी को इसके पास डाल देता हूँ तो थप्पड़ इतना मारूँ आराम जाती ही, इतना परेशान कर रहा है मेरे को। इसे फाइनली मेरे गिफ्ट में क्या दिया है, पैडलॉक की। तो मैं इसे दबा के सबसे पहले नीचे जाता हूँ और यहाँ पे इस चाबी को यूज़ कर देखता हूँ क्या पड़ा है ना। हाँ इसलिए तो बहस करिए, मेरे फ्यूज ही तो चाहिए था मेरे को, क्या करना है फ्यूज़ का मेरे को, फ्यूज़ दे रहे हैं आराम ज़्यादा। तो सबसे पहले लीवर लेके सबसे पहले नीचे आता हूँ और इसके अंदर लगा देता हूँ और ट्रेन के अंदर बिजली लाता ले आता हूँ। और गाय लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड होने वाला है इस गेम का। हाँ ग्रैनी के बार बार हिंट लुकाओगे, इस बार ट्रेन के नीचे चढ़ाऊंगा और ट्रेन इसके ऊपर चढ़ा के ले जाऊंगा। और यहाँ पड़ा है हमारा क्या पड़ा है, प्लैंक पड़ा है। प्लैंक लेके सबसे तो पहले मैं ऊपर जाता हूँ, इसका काम है मेरे को ऊपर। हाँ चलते हैं सीधा यहाँ से ऊपर के लिए फास्ट। मेट्रो में बैठ बार लिफ्ट के अंदर बैठते हैं, बार मेट्रो ट्रेन की बोल रहा हूँ, बार मुँह से निकल रहा है वो ये दिक्कत नहीं। मैं यहाँ जाता हूँ बटन लिफ्ट को नीचे भेज के मैं सबसे पहले इस प्लैंक को लगाने जाता हूँ। तो प्लैंक मैंने यहाँ लगा दिया और यहाँ से बैठ के सबसे पहले मैं जाता हूँ इधर। इधर जाने के बाद यहाँ क्या पड़ा होता है, एक्सीलेटर ट्रेन का लीवर होता है। और ट्रेन का लीवर लेके मैं यहाँ से फेंक देता हूँ नीचे, क्योंकि नीचे ज़्यादा है ही। और यहाँ मेरी और सामान है, कोकोनट भी पड़ा है उसे, कोकोनट मैं क्या कहाँ फंस गया, कोकोनट को भी उठाना है उसे लेके जाना है मेरे नीचे। मैं उधर जा रहा हूँ इधर कैसा आ गया, अरे क्या है भैया क्या कर माने हैं, अरे कोड़ी मारूँ वहीं आके तेरे। तो यहाँ से मैं अंदर आके सबसे पहले अपना कोकोनट उठा लेता हूँ, इसके अंदर पानी तो मिलेगा नहीं मेरे, कुछ तो मिल ही जाएगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ से जाता हूँ ऊपर, नीचे जाना बेकार है, शॉर्टकट ले लेता हूँ मैं यार हमेशा। ज़िंदगी को जितना आसानी से करोगे तो रहे मजा आएगा। मैं वहाँ से शॉर्टकट लेके सबसे पहले यहाँ आता हूँ और इस घास पे कूद जाता हूँ। कूदने के बाद सबसे पहले मैं इस कोकोनट की चटनी बना के डोसा के साथ खाता हूँ। मजाक कर रहा हूँ थोड़ा, मैं कहा था खाऊंगा कोकोनट की चटनी। मैंने कोकोनट काट के सबसे पहले उसके अंदर जो भी गिफ्ट मिला है वो वहाँ से उठाता हूँ। और इतनी देर में ग्रैनी को साउंड आता है और इतनी देर में मेरी जो वीडियो है ना वो खुद रुक जाती है और मेरे साथ गलत सीन हो जाता है, मैं मरते मरते बचाऊँ गाइस मरते मरते। चलो कोई दिक्कत नहीं, बस तुम्हें दिखाऊंगा बीच में एक कट लगाया है, मैं मरा नहीं रहा सीन में। यहाँ पे मैंने कॉइन डाल के बटन दबा के टिकट ले लिया है ताकि वो साला रोबोट जो है छे छे पे ना करे और साथ में ही ट्रेन के गेट भी खोल दे, तो ये जाएगा वहाँ पे और इतने में गेट खोल देगा। मैं ऊपर आया और मैं ट्रेन की सबसे पहले चाबी उठाता हूँ यहाँ से और चलता हूँ नीचे। सबसे पहले मैं ट्रेन की चाबी जो है उस ट्रेन के अंदर लगा देता हूँ और उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम करता हूँ, मैं पीछे वाले बटन से गेट बंद कर देता हूँ। ये बिना जब तक ट्रेन जब तक नहीं चलेगी जब तक गेट सारे बंद नहीं होंगे, तो मैं एक गेट पहले ही बंद कर देता हूँ और यहाँ से एक्सीलेटर अपना उठाता हूँ एक्सीलेटर। और सबसे पहले अपना लीवर को ले आके यहाँ पर अंदर घुसता हूँ और इसको बटन को बंद कर देता हूँ और यहाँ पर लगाता हूँ अपना लीवर। गाइस तीन तक गिनती के अंदर ग्रैंड नहीं आती है तो मैं चिल्ला दूंगा मैं ट्रेन को थ्री, तो मैं ट्रेन स्टार्ट कर चुकी हूँ लेट्स गो। गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मारो ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रख रहे हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग लेट्स गो। The end.